Hello, my dear NEET aspirants. This is your biology mentor, Dr. Garima Singh, and I welcome all of you to Pradis Education NEET. तो बच्चों आप हैं मेरे साथ हमारे YouTube चैनल Pradis Education NEET में, जहां हम कर रहे हैं तैयारी आपकी जीत की, तैयारी कर रहे हैं NEET की. और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे NEET बॉटनी का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. गुड इवनिंग आकाश, आई मीन गुड आफ्टरनून आकाश, गुड आफ्टरनून बनारस बॉय. क्या हाल है बच्चों दोनों के, मुझे सुन पा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे नहीं, है ना, सब सही चल रहा है, आवाज वगैरह सब आ रही है? चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं अपन आज की क्लास. और सबसे पहले देखेंगे वही टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, जो कि है हमारा एंड्रोशियम. तो एंड्रोशियम से ही बिगिन करके क्लास शुरू करते हैं. देखो पहली चीज इसमें जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि एंड्रोशियम होता क्या है. तो हमने कल डिस्कस किया था, एंड्रोशियम होता है बहुत सारे स्टेमेंस का कलेक्शन. तो सारे स्टेमेंस साथ में क्या करते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं. अब हर एक एंड्रोशियम में एंथर और फिलामेंट होता था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये डिस्कस कर चुके हैं कि एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कंटेन करते हैं मेल गैमेट, राइट. ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं. अब इसके बाद हमने कल एक चीज डिस्कस करनी स्टार्ट की थी जिसमें बहुत हल्ला होने लगा था, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे आज. ये भी मैं तुम लोग को बताया था कि अगर स्टेमेंस पेटल के साथ अटैच दिखते हैं तो कंडीशन कहलाती है एपीपेटलिस, अगर वो पेरियांथ के साथ अटैच दिखते हैं तो कंडीशन कहलाती है एपीफिलिस कंडीशन. ठीक है, इतनी चीजें हमने कल तक देख ली थी. अब आज हम टॉपिक देखेंगे ना, इसमें हम देखेंगे कि स्टेमेंस आपस में अगर यूनाइटेड हैं और साथ में चिपक के उनने अपने आप को एक बंडल में बना लिया बेटा, एक बंच बना लिया है, ये सारे स्टेमेंस मिलकर एक बंडल या बंच बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन. क्या बुलाते हैं इसे हम, मोनो एडल्फस कंडीशन. तो मोनो एडल्फस कंडीशन की जब जब बात होगी आप क्या नोटिस कर पाओगे, आप नोटिस कर पाओगे कि सारे स्टेमेंस साथ में आ गए हैं और साथ में एक सिंगल बंडल में है, एक सिंगल गुच्छे में है. तो जब आपको एक सिंगल बंडल में दिखाई दे आपके स्टेमेंस तो ये कंडीशन कहलाएगी मोनो एडल्फिस कंडीशन. ठीक है, तो सारे के सारे फिलामेंट्स एक ही साथ अंदर इसके रैप्ड हैं और सारे एंथर्स आपको ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं. इट्स सिंस इट्स अ सिंगल बंडल हेंस यू कॉल इट एज अ मोनो एडल्फिस कंडीशन. फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है डाई एडल्फिस कंडीशन. अब ये डाई का क्या मतलब है, टू. टू का मतलब है कि आपको एक सिंगल बंडल ना दिखते हुए दो अलग अलग बंडल्स दिखेंगे. अब दो अलग अलग कैसे, देखो जैसे यहाँ पर बहुत सारे एक साथ हैं और ये एक अकेला है, तो है तो अल्टीमेटली लेकिन दो ग्रुप्स ना, एक भले ही अकेला हो बाकी सारे साथ हैं, लेकिन इसीलिए हम कहेंगे कि कंडीशन डाई एडल्फिस कंडीशन है. मतलब दो गुच्छों में है, नौ एक साथ है, एक अकेला है. ये वाली कंडीशन जो डाई एडल्फिस कंडीशन है ये भी हम देख सकते हैं. तो ये कंडीशन हमें मटर में देखने को मिलती है बेटा, पी प्लांट्स में, कि नौ एक साथ रहते हैं स्टेमिन, एक स्टेमिन अकेला रहता है. तो इस कंडीशन को हम 9+1 भी कहते हैं, कि 9 साथ में है और एक अकेला है पर दो गुच्छे हैं. ऐसे ही देखो तीसरी कंडीशन होती है पॉली एडल्फिस. पॉली मतलब बहुत सारे गुच्छे हैं, बहुत सारे गुच्छे हैं, इसीलिए इसे हम कहेंगे पॉली एडल्फिस कंडीशन. तो पॉली एडल्फिस कंडीशन में आपको मोर देन टू बंडल्स दिखेंगे. जब भी आपको दो से ज्यादा बंडल्स दिखाई दें स्टेमेंस के तो इस कंडीशन को हम पॉली एडल्फिस कहेंगे. काई में देखने को मिलती है, सिट्रस में देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये चीज भी हमने ध्यान रखनी है. अब हमने तीन कंडीशंस देखी जिनमें हमने देखा कि सारे स्टेमेंस यूनाइट हो चुके हैं. एक सिंगल बंडल था तो मोनो बुलाया, दो बंडल थे तो डाई बुलाया बेटा, और बहुत सारे बंडल्स हैं तो हम इसे बुला रहे हैं पॉली एडल्फिस कंडीशन. इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जांपल्स याद रखना. मोनो एडल्फिस हम कहां याद रखेंगे, चाइना रोज में. डाई एडल्फिस कहां याद रखेंगे, मटर में. और सिट्रस यानी नींबू में हम याद रखेंगे पॉली एडल्फिस कंडीशन. ये बात हम सबको क्लियर है. गुड आफ्टरनून प्रवीण. नर्वद बेटा हम बिल्कुल आपका टेस्ट ले सकते हैं, मैंने कल भी ये बताया था. हेलो जोगिंदर, कल भी यही बताया था कि अगर आप लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, तो प्लीज इस चीज का हमें अपडेट दीजिए. अगर आप लोग सही में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है
इस पर ये चीज़ हमें बतानी है कि हाँ मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, तो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए अलग से कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो आपको इस नंबर पे कॉल करके अपने मेंटर से बात करनी है। आपको उनको बताना है कि हाँ मैं जेन्युइनली टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं सीरियसली टेस्ट देना चाह रहा हूँ, तो फिर हम संडे टू संडे जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है उसका प्लान करेंगे। बट वही है कि अभी बच्चों में इतनी सिंसियरिटी यहाँ पर यूट्यूब पर दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग बहुत लाइटली लेते हो क्लासेस को, सारी क्लासेस अटेंड भी नहीं करते हो, तो अननेसेसरी हम आपके लिए अलग से टेस्ट सीरीज क्यों लॉन्च करें जब हमारे पेड बैच में चलती है। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमें बताओ, तो हम अपने पेड बच्चों के साथ फिर आपके लिए भी, आपको भी मतलब उसमें इंक्लूड करेंगे। बट अगेन उसके लिए आपको अपने साइड से एफर्ट डालना पड़ेगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये चीज़ पुट फॉरवर्ड करिए, बताइए कि हाँ हम वाकई टेस्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। बच्चों मेरी आवाज़ के लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, थोड़ा ज़्यादा कोल्ड, इसीलिए नाक बंद है, आवाज़ अजीब सी आएगी, तो झेल लेना, ठीक है। अब देखो स्टेमेंस अगर आपको सारे के सारे फ्री दिखे तो इस कंडीशन को पॉली एंड्रस कहते हैं। अब तुम लोग क्या करते हो, अक्सर पॉली एंड्रस और पॉली एडिल्फिस में कन्फ्यूज़ हो जाते हो। ये याद रखना, एडिल्फिस अगर लिखा है तो मतलब झुंड की बात हो रही है, मतलब बंडल की बात हो रही है, और एंड्रस लिखा है मतलब हम कह रहे हैं कि हाँ एंड्रोशियम है और सारे फ्री हैं, एंड्रोशियम सारे फ्री हैं मतलब चिपके नहीं हैं। एडिल्फिस की जब बात होगी तो बात होगी कि हाँ चिपक चुके हैं, बंडल बना चुके हैं, ठीक है। सिंगल बंडल मोनो एडिल्फिस, दो बंडल डाय, और बहुत सारे बंडल्स अगर आपको दिख रहे हैं तो पॉली एडिल्फिस कंडीशन होगी। अब इसके अलावा भी देखो, हमारी बुक बहुत क्लियरली कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेमेंस सेम लेंथ के हों, ज़रूरी नहीं है। कुछ लंबे हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, तो इनकी लेंथ भी वेरिएबल होती है। जैसे अगर आप इस फूल को देखोगे, मस्टर्ड को, तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि चार है, चार है, और चार में से दो लंबे हैं देखो लेंथ में बड़े हैं, और बाकी दोनों लेंथ में छोटे हैं। तो ऐसे लेंथ में भी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकती है। मस्टर्ड में आपको ये देखने को मिलेगा, हाँ बेटा बिल्कुल जोगिंदर, रिपीट करती हूँ, मस्टर्ड में भी देखने को मिलेगा और सैल्विया में भी देखने को मिलेगा। देखो क्या बोल रही थी मैं आपको, क्या बता रही थी, हाँ मैं आप लोग को बता रही थी इसके बारे में। ये कौन है, ये है हमारे स्टेमेंस। स्टेमेंस क्या होते हैं फिर से याद कर लो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो फ्लावर का, उसको हम स्टेमेन बुलाते हैं, है ना, उसको हम स्टेमेन बुलाते हैं। तो ये हमारे स्टेमेंस हैं। अब इन स्टेमेंस के लिए हम क्या कहते थे, इन स्टेमेंस के लिए हम कहते थे कि इनमें एक एंथर होता है और नीचे की तरफ एक फिलामेंट होता है। तो एंथर और फिलामेंट, इस दो चीज़ों से स्टेमेंस बनते हैं। अब हर फूल में ना नंबर ऑफ स्टेमेन अलग अलग होंगे, किसी में ये बहुत सारे होंगे और सारे एक दूसरे से अलग होंगे, मतलब चिपके हुए नहीं रहेंगे। अगर ये बहुत सारे हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो इस कंडीशन को आप बुलाते हो पॉली एंड्रस कंडीशन। क्या बुलाते हो फिर इसे आप, पॉली एंड्रस कंडीशन। तो पॉली का मतलब ही होता है फ्री, और एंड्रस का मतलब होता है स्टेमेन, मतलब सारे के सारे आपके जो स्टेमेंस हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, कोई भी किसी के साथ चिपका हुआ यानी यूनाइटेड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम बुलाते हैं पॉली एंड्रस कंडीशन, ठीक है जोगिंदर, इतनी बात क्लियर है। अब ये देखी ना कंडीशन हमने, तो इसके अलावा एक कंडीशन और आती है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें ये होता है कि होते तो बहुत सारे हैं, पर वो जो बहुत सारे होते हैं ना वो आपस में गुच्छा बनाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जैसे सब फ्री थे तो ऐसे दिख रहे थे, अब सब गुच्छा बना ले ऐसे दिखेंगे, बंडल बन गया है। तो जब आपको ऐसे गुच्छे में दिखे, बंडल में दिखे, एक ही सिंगल बंडल दिखे, ऐसा एक ही सिंगल बंडल, एक ही गुलदस्ते जैसा, तो आप क्या बताओगे, आप उस कंडीशन को बुलाओगे मोनो एडिल्फिस कंडीशन, मोनो एडिल्फिस कंडीशन। तो मोनो एडिल्फिस कंडीशन में आपको एक सिंगल बंडल देखने को मिलता है। बच्चों क्या देखने को मिलता है, एक सिंगल बंडल। अगर आपको एक ही बंडल दिख रहा है, सारे के सारे स्टेमेंस उसी में चिपक गए हैं, एक ही अकेला गुच्छा बना रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम मोनो एडिल्फिस कंडीशन बुलाने वाले हैं। ये बात हमें समझती है, बताओ मुझे मोनो एडिल्फिस कंडीशन कहाँ दिखेगी। मोनो एडिल्फिस कंडीशन हमको देखने को मिलेगी चाइना रोज यानी हिबिस्किस में। कल तुम लोगों ने मुझे बताया था कि हाँ तुम लोगों ने चाइना रोज देखा है, तुम लोग के घरों पे गुड़हल के फूल वगैरह है, कल हमने ये बात की थी। अब उसी चाइना रोज में ये वाली हालत देखने को मिलती है हमें कि यहाँ पर वो सारे के सारे अंदर, सबके फिलामेंट इसके अंदर होते हैं, और यहाँ पर आपको ऊपर ऐसे सबके बस एंथर दिखाई दे रहे होते हैं।
ऐसे सबके पास एंथर दिखाई दे रहे होते हैं. तो ये जो कंडीशन है कि हाँ ये सारे के सारे एक ही बंडल में है, एक ही बंडल में है, तो इस कंडीशन को हम मोनो एडल्फस कंडीशन बुलाएंगे. ठीक है, इतनी बात, इसे हम मोनो एडल्फस कंडीशन बुलाएंगे. अब इसके अलावा जो अगली कंडीशन होती है ना, उसमें क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलेंगे दो बंडल, आपको देखने को मिलेंगे दो बंडल. अब दो बंडल होंगे तो हम इस कंडीशन को बुलाएंगे डाई एडल्फस कंडीशन. डाई एडल्फस कंडीशन, डाई एडल्फस का मतलब है दो बंडल. तो देखो एक में ये हैं बहुत सारे, एक झुंड में ये बहुत सारे हैं, ये एक सिंगल झुंड है, इसमें आपको ये बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, और एक आपको यहाँ पर अकेला भी देखने को मिल रहा है. तो बेसिकली तो दो ग्रुप्स हो गए ना, दो ग्रुप्स हो गए कि एक एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, नौ सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो दो ग्रुप्स हो गए. अब क्योंकि दो गुच्छे यानी दो बंडल दिख रहे हैं तो कंडीशन कहलाती है डाई एडल्फस कंडीशन. उसमें भी अगर मैं मटर की बात करूंगी ना, तो मटर में गुच्छे कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं कि नौ एक साथ रहते हैं और एक अकेला रहता है, नौ एक साथ रहते हैं और एक अकेला रहता है. तो मटर में मुझे इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है. ठीक है, दो बंडल और दोनों ही बंडल किस प्रकार से, दोनों ही बंडल इस प्रकार से कि नौ एक सिंगल झुंड में है और एक अकेला है. तो इस चीज को मैं बुलाती हूँ डाई एडल्फस कंडीशन. पी प्लांट में यानी मटर के पौधे में मैं इस कंडीशन को बेटा बखूबी अप्रिशिएट कर सकती हूँ. ये बात समझ रहे हैं हम कि डाई एडल्फस कंडीशन क्या होती है. यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ, डाई एडल्फस समझ गए. मोनो मतलब एक सिंगल गुच्छा बहुत सारों का, डाई मतलब दो गुच्छे, दो गुच्छे है ना. अब पॉली की बात करूंगी तो क्या, बहुत सारे झुंड बेटा, बहुत सारे गुच्छे. मतलब इमेजिन करो कि मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर आऊं, वैसा वाला नहीं है तो नीचे से डंडी वाला, वैसे वाले 10-15 गुलदस्ते लाऊं और ऐसे ऐसे रख लूं, तो हर एक में 10-10 फूल लगे हैं सपोज करो. तो इस तरीके के अगर मुझे बहुत सारे गुच्छे दिख रहे हैं, बहुत सारे बंडल्स दिख रहे हैं, तो मैं कंडीशन को बुलाऊंगी पॉली एडल्फस कंडीशन. मतलब बहुत सारे बंचेस यानी बहुत सारे बंडल मुझे दिखे. तो अगर मैं बहुत सारे बंडल, बहुत सारे बंचेस अप्रिशिएट करती हूँ ना, तो कंडीशन कहलाती है बेटा पॉली एडल्फस कंडीशन. ये बात क्लियर है हम सबको कि पॉली एडल्फस कंडीशन में हमें बहुत सारे बंडल्स देखने को मिल रहे हैं. यहां तक हमें कोई डाउट है, यहां तक हमें कोई डाउट है कि पॉली एडल्फस कंडीशन क्या होती है. देखो इसके अलावा फिर हम कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो इन एंथर फिलामेंट यानी इन स्टेमेंस की लेंथ भी अलग अलग हो सकती है एक सिंगल फूल में. तो अगर मस्टर्ड का फूल है तो सारे फिलामेंट्स बराबर लंबाई के हों जरूरी नहीं है, सारे स्टेमेन बराबर ऊंचाई के हों जरूरी नहीं है, कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे भी हो सकते हैं. तो ऐसी एक कंडीशन देखने को मिलती है मुझे मस्टर्ड और सैल्विया में. इनमें क्या देखूंगी मैं, इनमें मैं देखूंगी बच्चों कि कुछ तो लंबे हैं, मतलब ये दो जो दो बीच में हैं देखो ये कितने लंबे हैं, तो इन दो बीच वालों की लंबाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है. बट वहीं यहाँ पर जो बाजू में दो हैं वो थोड़े छोटे हैं, वो थोड़े छोटे हैं. तो इसीलिए वो कह रहे हैं लेंथ में भी वेरिएशन पॉसिबल है. ठीक है, लेंथ में भी वेरिएशन पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि सारे ही बराबरी से लंबे होते हों. तो ये टेट्राडाइनमस कंडीशन हम इसे बुलाते हैं. इसमें चार होते हैं, चार होते हैं और चार में से दो लंबे दो छोटे होते हैं. ठीक है, चार में से दो लंबे और दो छोटे होते हैं. तो यह चीज भी हमें बता के रखी है. अब इतना बताने के बाद ये हमें क्या बताएंगे, इतना बताने के बाद ये हमें बताएंगे कि चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं. देखो तो अपन कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन देख रहे हैं. देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैच करो कॉलम को. अगर सेपल्स फ्री है तो आप उसे क्या बुलाओगे, अगर सेपल्स फ्री है तो आप उसे क्या बुलाओगे, और पेटल्स यूनाइटेड है तो क्या बुलाओगे, पेटल फ्री है तो क्या बुलाओगे, सेपल यूनाइटेड है तो क्या बुलाओगे. तो याद करो अपन ने बात की थी कि जब भी फ्यूज्ड होते हैं, हमने बात की थी जब भी फ्यूज्ड होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गैमो कंडीशन. ठीक है, तो गैमो का मतलब ही था फ्यूज्ड, गैमो का मतलब ही था फ्यूज्ड. और जब भी हम पॉली वाली कंडीशन यूज करते हैं, नर्मदा हमारी बेटा जूम पे ही क्लासेस, मतलब हमारा जो खुद का ऐप है ना वो जूम इंटीग्रेटेड ही है, तो हमारे पेड बैचेस सारे वहीं पे चलते हैं, यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं वो फ्री चलती हैं.
तो हमारी जितने भी पेड बैचेस चल रहे हैं, 11, 12 ड्रॉपर्स, सारे के सारे जूम बेस्ड एप्लीकेशन पे ही चलते हैं। वो सारी क्लासेस हमारी इंटरैक्टिव होती हैं, उसमें हम बच्चों को देख भी पाते हैं, बच्चों को सुन भी पाते हैं। ये क्योंकि यूट्यूब सेशंस हैं तो ये इसीलिए यूट्यूब पे लगते हैं। बाकी जो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन है वो सारी की सारी क्लासेस ऐप के थ्रू लगती हैं और सारी ही क्लासेस बेटा इंटरैक्टिव रहती हैं। ठीक है, चलो अभी देखो इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे मैच द कॉलम। हाँ, तो मैच द कॉलम का कोई आंसर ढूंढ पाया? बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? डिस्कस, देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेपल्स की बात कर रहे हैं हम। सेपल्स अगर फ्री है तो हम कहेंगे कंडीशन है पॉलीसेपल्स, ठीक है, पॉलीसेपल्स। फिर हम कहेंगे पेटल्स फ्री है, तो पेटल्स फ्री है तो कंडीशन हो जाएगी पॉलीपेटल्स, पॉलीपेटल्स। फिर हम कहेंगे पेटल्स यूनाइटेड है तो हम कहेंगे गैमोपेटल्स, और सेपल्स यूनाइटेड है तो हम कहेंगे गैमोसेपल्स कंडीशन। तो इस तरीके से हम अपने आंसर पे जाएंगे। वन का आ रहा है थ्री, बी का आ रहा है वन, तो वन का थ्री बी का वन, वन का थ्री बी का वन। फिर आ रहा है बेटा सी का फोर और डी का टू, तो आंसर हो जाएगा मेरा डी, आंसर हो जाएगा मेरा डी। अब देखो ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, अगर मैंने एक और मैच द कॉलम डाला है। देखो इस मैच द कॉलम में हमसे पूछा है कि कॉलम्स को मैच करो और करेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ। किसमें आपको एपिगाइनस कंडीशन दिखेगी, किसमें आपको दिखेगी पेरिगाइनस, और किसमें हाइपोगाइनस कंडीशन दिखेगी। तो फिर से याद कर लो। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट सर प्लीज चेक करेंगे क्या, ब्लर दिख रहा है बच्चे कह रहे बच्चों। अभी दिखेगा सही सही, दो सेकेंड दो बस। नर्वस बच्चा, अगर पेड कोर्स लेना है तो पेड कोर्स लेने के लिए कुछ नहीं करना, इस नंबर पे आप कॉल करके बता देना, ठीक है। तो जो भी बच्चे पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं वो इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। तो पेड बैच जब लॉन्च होगा आपको उस हिसाब से अपडेट कर दिया जाएगा। अभी जो हमारे बैचेस थे वो तुम लोग ऑलरेडी, तुम्हें पता नहीं, शायद पता या नहीं, पर हमारे पेड बैचेस में हम कम स्ट्रेंथ रखते हैं। कम स्ट्रेंथ इसीलिए रखते हैं क्योंकि ज़्यादा बच्चों को ना लाइव क्लासेस में वन ऑन वन अटेंशन देना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम अपना बैच साइज छोटा ही रखते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग बैच था वो फुल था, तो अभी जो नेक्स्ट बैच लॉन्च होना है शायद अगले मंथ होना है, तो उसके लिए फिर आप बता सकते हो, ठीक है। आप इस नंबर पर लेकिन कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, तुम लोग को नहीं दिख रहा क्या क्वेश्चन? सर ने ट्राई तो किया कि ब्लर दिखना कम हो, अभी भी ब्लर है क्या? चलो ठीक है, अगर अभी ब्लर नहीं है तो अपन देखते हैं क्या है। यहाँ पूछा है एपिगाइनस ब्लर, एपिगाइनस ब्लर। फिर क्या पूछा है, पेरिगाइनस किस में होता है, और फिर पूछा है हाइपोगाइनस किस में होता है। अब याद करो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था तुम लोग को ये कि टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ ओवरी, कि ओवरी के रिस्पेक्ट में बाकी स्ट्रक्चर्स कहाँ है। जब ओवरी ऊपर होती थी बाकी स्ट्रक्चर्स नीचे से आते थे तो हम फ्लावर को कहते थे हाइपोगाइनस, जब उल्टा होता था तो हम कहते थे एपिगाइनस, और जब हाफ इंफीरियर ओवरी होती थी तो हम कंडीशन को क्या बुलाते थे, हम इस कंडीशन को बुलाते थे पेरिगाइनस कंडीशन। तो अब मुझे सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। अभी भी ब्लर है, अरे बेटा रुको सर और ट्राई कर रहे हैं शायद ठीक हो जाए, दो सेकेंड दो सर को, तब तक आंसर तो बता दो। इतना ही पूछ रहे हैं कि एपिगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल कौन सा है, ज्यादा कुछ पूछ थोड़ी ना। एपिगाइनस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो देखो एपिगाइनस काय में होता है, कुकुम्बर में, पेरिगाइनस काय में होता है, पीच में, और हाइपोगाइनस काय में होता है, ब्रिंजल में। तो ए का थ्री बी का टू और सी का वन, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ अब तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, मना मत कर देना पिट जाओगे। बताओ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? आकाश, नर्वद, पक्का क्लियर है?
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओवरी हाफ इंफीरियर किस में होती है? अल्फाबेट्स को बोल्ड कीजिए. अभी बोल्ड कर दिए, अभी ठीक है अरविंद, अभी ठीक है बेटा, जल्दी बताओ फिर. ओवरी हाफ इंफीरियर किस में होती है? प्लम पीच में, ब्रिंजल में, कुकुम्बर में या ग्वावा में? इनमें से आपको हाफ इंफीरियर ओवरी किस में मिलेगी? हाफ इंफीरियर ओवरी. वो सुंदर सुंदर से तीन नाम क्या थे? प्लम, पीच एंड रोज. तो इन्हीं में आपको दिखती थी हाफ इंफीरियर ओवरी, यानी कि आपको क्या दिखता था? पेरी गाइनस फ्लावर. क्या दिखता था? पेरी गाइनस फ्लावर. तो ये पेरी गाइनस फ्लावर प्लम, पीच और रोज में है, इसलिए हाफ इंफीरियर ओवरी भी उसी में दिखेगी. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन किस फैमिली में है? वेक्सिलरी, अब याद करो, वेक्सिलरी यानी पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन किसमें देखने को मिलती थी? किसमें देखने को मिलती थी? आपको देखने को मिलेगी वेक्सिलरी एस्टिवेशन इन द फैमिली फेबेसी, जिसको हम कहते हैं पेपिलियोनेसी फैमिली. ठीक है, जिसको हम पेपिलियोनेसी फैमिली भी कहते हैं. तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में सब फैमिली की तरह देखने को मिलती है. फेबेसी फैमिली यानी पी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी था वेक्सिलरी एस्टिवेशन. चलो अब इसी खुशी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टर्म पॉली एडिल्फिस का क्या मतलब है? पॉली एडिल्फिस टर्म का क्या मतलब है, किस चीज से रिलेटेड है ये? क्या ये कोरोला से रिलेटेड है, कैलिक से रिलेटेड है, एंड्रोशियम से रिलेटेड है या फिर गाइनोशियम से रिलेटेड है? तो पॉली एडिल्फिस कंडीशन या टर्म किन स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, बताओ किन स्ट्रक्चर से रिलेट करता है? तो पॉली एडिल्फिस, एडिल्फिस का भी हमने डिस्कस किया था, मतलब होता है बंश या बंडल, बंश या बंडल. तो बहुत सारे बंडल्स जब देखने को मिलते थे आपको, मेनी बंडल्स जब आपको देखने को मिलते थे, तो हम कहते थे कि कंडीशन पॉली एडिल्फिस है. और किस चीज के बंडल? स्टेमिन के. यानी ये टर्म किससे रिलेटेड है? एंड्रोशियम से रिलेटेड है. ठीक है, एंड्रोशियम से रिलेटेड है. ओके, अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंडर्ड पेटल जो है, स्टैंडर्ड पेटल जो है पेपिलियोनेशियस करोला का, उसको और क्या बुला सकते हैं, उसको और क्या बुला सकते हैं? तो जो हमारा स्टैंडर्ड होता है ना, उसी को हम बुलाते हैं वेक्सिलम. और इसी के चलते हम उसे क्या बुलाते हैं? वेक्सिलरी एस्टिवेशन. ठीक है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन. तो वेक्सिलम हम उसे बुलाते हैं, यहां से हम एक ये चीज भी पता कर लेंगे. अब देखो इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे गाइनोशियम को. गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है. हाय आसाम प्रो गेमिंग, नए स्टूडेंट हो बेटा आप, चलो तो वेलकम है आपका क्लास में. जो चल रहा है टॉपिक, द टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, विच इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द एनसीईआरटी करिकुलम. एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. And in this parts of a flower topic, we are discussing gynoecium. तो हम क्या discuss कर रहे हैं? Gynoecium discuss कर रहे हैं. अब gynoecium की जब हम बात करते हैं ना, तो gynoecium में आपको क्या देखने को मिलेंगे? बहुत सारे या फिर एक सिंगल कार्पल. तो gynoecium is basically made up of carpel. तो एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं. तो ये carpels का जो पूरा entire collection होता है, इसे हम gynoecium या फिर पिस्टिल भी कहते हैं, या फिर पिस्टिल भी कहते हैं. सो गाइनोशियम इज अनदर टर्म फॉर पिस्टिल, विच इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड इट इज मेड अप ऑफ ईदर वन और मेनी कार्पल्स. तो इसके अंदर एक या बहुत सारे कार्पल या कार्पल्स हो सकते हैं. अब एक कार्पल में क्या होता है, अगर मैं ये बात करूं, तो हर एक कार्पल में ना आपको एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म दिखता है, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं. इसको बेटा मैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी बुलाती हूँ. क्यों बुलाती हूँ लैंडिंग प्लेटफॉर्म? क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट आकर लैंड करता है, मेल गैमेट आकर यहाँ पर लैंड करता है. दैट्स द रीजन वाई आई कॉल इट एज द स्टिग्मा और द लैंडिंग प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर पोलन ग्रेन की लैंडिंग होगी. ठीक है, पोलन ग्रेन की लैंडिंग होगी. देन यू विल बी फाइंडिंग वन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस लॉन्ग ट्यूब थिंग इज द स्टाइल. ठीक है, तो ये जो लंबी सी ट्यूब है, ये जो हमारी लंबी ट्यूब है बेटा, इसको हम बुलाने वाले हैं स्टाइल. और इस स्टाइल के नीचे आपको दिखेगा एक बेस पे प्रेजेंट फूला हुआ पोर्शन. ये जो बेस पे मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट फूला हुआ पोर्शन है, इसको हम बुलाते हैं एज ओवरी. इसको हम क्या बुलाते हैं? ओवरी.
एंड यही ओवरी जो है, यही जो ओवरी है, यही अपने आप को फ्यूचर में राइपन करके, मॉडिफाई करके कन्वर्ट करेगी इनटू फ्रूट. तो यही आपकी ओवरी आगे चल के आपका फल यानी कि आपका फ्रूट बनेगी. एंड दिस ओवरी इनसाइड इट विल बी हैविंग ओव्यूल्स. इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हो सकते हैं. अब ये ओव्यूल्स प्लेसेंटा नाम के एक स्ट्रक्चर की हेल्प से ओवरी से अटैच रहते हैं. सो व्हाट डिड आई जस्ट से, आई सेड कि ये जो ओव्यूल्स हैं ये प्लेसेंटा नाम के एक स्ट्रक्चर की हेल्प से आपकी ओवरी से अटैच रह सकते हैं. तो प्लेसेंटा की हेल्प से ओव्यूल अटैच होंगे. अगेन ओव्यूल एक सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं. तो सिंगल ओव्यूल वाली ओवरी कौन सी होगी, जैसे कि उसकी होती है मैंगो की, क्योंकि मैंगो में आपको पता है जब वो फ्रूट बन जाएगा पूरा तो उसके अंदर एक ही बीज होगा. तो वो जो ओव्यूल है ना वही खुद को सीड में कन्वर्ट करेगा. तो वो अभी ओव्यूल था, बाद में वो सीड बन जाएगा. और ये जो ओवरी है ये बाद में क्या बन जाएगी, ये बाद में बन जाएगी आपका फ्रूट, ये बाद में बन जाएगी आपका फ्रूट. तो जिन भी फ्रूट्स में आप जितने भी नंबर ऑफ ओव्यूल्स, जितने भी नंबर ऑफ सीड्स देख रहे हो ना, प्रीवियसली जब फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हुआ था तब वो फ्रूट बेसिकली फ्लावर का ओवरी था. और वो जितनी सीड्स आपको दिख रही हैं वो पहले उसके अंदर के ओव्यूल्स थे. तो ये ओव्यूल्स ही अपने आप को फर्टिलाइज करने के बाद सीड में बदलते हैं बच्चों. और जो ओवरी है वो अपने आप को कन्वर्ट करती है इनटू द फ्रूट, वो अपने आप को कन्वर्ट करती है इनटू द फ्रूट. तो हम जब भी गायनोशी मैंने पिस्टिल की बात करेंगे वी विल फाइंड दीज थ्री स्ट्रक्चर्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इनसाइड द ओवरी यू विल बी फाइंडिंग ओव्यूल्स जो प्लेसेंटा नाम के स्ट्रक्चर की हेल्प से आपकी ओवरी से अटैच रहेंगे. ठीक है, अटैच रहेंगे. तो देखो यही सारी चीजें बुक में लिखी हैं, किस तरीके से लिखी हैं फटाक से देख लेते हैं. सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक या एक से ज्यादा कार्पल से बना हुआ है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान रखना कि वो एक या एक से ज्यादा कार्पल से बना हुआ है. अब हर एक कार्पल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी सबसे नीचे का फूला हुआ एनलार्ज्ड बेसल पोर्शन है. ठीक है, इसके ऊपर आपको एक ट्यूब दिखती है, इसके ऊपर आपको एक ट्यूब दिखती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं. और स्टाइल का काम है उसको स्टिग्मा से कनेक्ट करके रखना, उसको स्टिग्मा से कनेक्ट करके रखना. तो स्टिग्मा आपको स्टाइल के ऊपर मिलेगा. और ये रिसेप्टिव सरफेस है, वो सरफेस है जहां पर पोलन ग्रेन को रिसीव किया जाता है. पोलन ग्रेन कहां से आ रहा है, एंथर से आ रहा है. तो एंथर से जब वो आएगा तो यहां पर ये उसको रिसीव करेंगे, वो यहीं पर आकर एग्जैक्टली लैंड करेगा. ओके, यहीं पर आकर एग्जैक्टली लैंड करेगा. अब इसके बाद हम देखेंगे तो हर एक ओवरी में जैसे मैंने आपको कहा ओव्यूल्स मिलेंगे, तो हर एक ओवरी में जो आपको ओव्यूल्स मिलेंगे वो सिंगल हो सकते हैं या फिर बहुत सारे हो सकते हैं. सो देयर कैन बी आइदर वन और देयर कैन बी मेनी ओव्यूल्स जो एक फ्लैट कुशन लाइक प्लेसेंटा की हेल्प से अटैच होंगे. तो प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो ओवरी से ओव्यूल को चिपका के रखता है. याद कैसे रखोगे, तुमने मटर देखा है, मटर बाहर से मटर देखा है बच्चों, अगर तो मटर का पॉड होता है और यहां पर मटर में एक ऐसी लाइन सी होती है जिससे कुछ ऐसा ऐसा निकल रहा होता है और यहीं पर वो मटर के दाने चिपके हुए रहते हैं. ठीक है, तो ये जो मटर के दाने हैं ना अभी, ये मटर की सीड्स हैं. ये जो बाहर का पॉड है हरा वाला, ये मटर का फ्रूट है. तो पहले जब ये फूल के अंदर था तो ये बेसिकली मटर की ओवरी थी, ओवरी थी, और ये उसके अंदर के ओव्यूल्स थे. तो ये जो जैसे डंडी जैसे स्ट्रक्चर के हेल्प से चिपका हुआ है ना, पहले की टाइम पे जब वो ओव्यूल और ओवरी थे तब यही डंडी वाला स्ट्रक्चर क्या था, तब ये डंडी वाला स्ट्रक्चर था आपका प्लेसेंटा, आपका प्लेसेंटा. तो आप देखो प्लेसेंटा है ये अगर, तो इसी से ये ओव्यूल्स जुड़े हुए रहेंगे, इसी से ये ओव्यूल्स जुड़े हुए रहेंगे. तो ओवरी में आपको प्लेसेंटा नाम का एक कुशन टाइप का टिश्यू दिखेगा थ्रू विच यू विल बी फाइंडिंग योर ओव्यूल्स अटैच्ड. ठीक है, थ्रू विच यू विल बी फाइंडिंग योर ओव्यूल्स अटैच्ड. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पूरा फ्रूट है, ये उसके अंदर की स्पेस है. यहाँ पर ये प्लेसेंटा की हेल्प से ओव्यूल को अपने साथ अटैच करके रखेंगे. तो ककड़ी देखी है हम सब ने, ककड़ी में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ डार्क सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा होता है जिससे बीज चिपके हुए रहते हैं, उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, उसी स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा बुला रहे हैं. सो आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड कि प्लेसेंटा क्या होता है, समझ गए हम. भिंडी भिंडी ककड़ी वकड़ी ये सब चीजें हम देख चुके हैं, तो हम एटलीस्ट इतने स्ट्रक्चर्स को तो अप्रिशिएट कर ही पा रहे होंगे. तो ये प्लेसेंटा बाद में भी दिखेगा आपको, जब आपका फ्रूट बन चुका है, सीड बन चुकी है, उसके बाद भी आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे. ठीक है, अप्रिशिएट कर पाओगे.
अब देखो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये क्या है, इसमें हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्पल है बेटा, क्या है, एक से ज्यादा कार्पल है, तब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्या आपके कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, चिपके हुए हैं, या फिर फ्री हैं, या फिर फ्री हैं। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि कंडीशन मेरी सिन कार्पस है। सिन का क्या मतलब होता है, सिन का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है, सिन गैमी, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन। तो जब भी कोई चीज मिली हुई हो, जुड़ी हुई हो, जैसे गैमो वर्ड यूज करते हैं वैसे यहाँ पर सिन वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपको अपने कार्पल्स ना एक साथ दिखे, एक साथ दिखे, तो आप इस कंडीशन को बुलाना सिन कार्पस कंडीशन। क्या बुलाना, सिन कार्पस कंडीशन। तो जब भी आपके कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे, जैसे मस्टर्ड में होते हैं, टोमेटो में होते हैं, तो हम इस कंडीशन को सिन कार्पस बुलाते हैं। तो देखो अंदर ही अंदर, वैसे कहने को ये तीन थे, तीन स्टिग्मा, तीन स्टाइल थे, बट नीचे जाकर क्या हुआ, पूरा का पूरा ओवरी एक साथ फ्यूज हो गया। अंदर ये तीनों अलग अलग नहीं है, अंदर इन तीनों ने जाकर एक स्ट्रक्चर बना लिया है, और अब एक सिंगल स्ट्रक्चर में आपको उन तीनों के ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एक सिंगल कंपार्टमेंट है अंदर, सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज हो गए, सबकी ओवरी मिक्स हो चुकी है, एक सिंगल ही स्पेस दिखाई दे रही है आपको, उसी में सबके ओव्यूल्स हैं, तो इस कंडीशन को हम बुलाते हैं सिन कार्पस कंडीशन। सिन कार्पस कंडीशन किसमें देखने को मिल रही है, टमाटर में और मस्टर्ड में, यानी ब्रासिका में। तो सरसों में, टमाटर में, हम दोनों में ही सिन कार्पस कंडीशन देखेंगे, मतलब कार्पल ज्यादा थे और एक ही सिंगल लॉक्यूल में थे, फ्यूज हो चुके थे, ठीक है, एक ही सिंगल लॉक्यूल में थे, फ्यूज हो चुके थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अंदर ही अंदर सिन कार्पस ओवरी है, मतलब इसी में अंदर एक सिंगल कंपार्टमेंट में आपको सारे ओव्यूल्स दिखाई देंगे जो भी होंगे। ये सबके स्टिग्मा है और ऊपर सबने कॉमन स्टाइल भी बना लिया है, तो इस तरीके की ओवरी भी सिन कार्पस ओवरी रिप्रेजेंट करती है। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है जब आपके कार्पल्स बहुत सारे हैं पर वो सारे सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, कोई भी किसी के साथ जाके बेटा मर्ज नहीं हुआ है, सब अपने अलग अलग हैं। तो देखो सब अपने अलग अलग कैसे दिखेंगे, इनका सबका अपना अपना स्टिग्मा, सबकी अपनी अपनी स्टाइल, सबकी अपनी अपनी ओवरी है, कार्पल बहुत सारे पर एक दूसरे में जुड़े नहीं है, एक दूसरे में मर्ज नहीं हो रहे हैं, तो आपको तीनों की ओवरीज अलग दिख रही है, तीनों के ओव्यूल्स भी बकायदा अंदर अलग दिख रहे हैं। तो जब भी आपको सबका सब कुछ अलग अलग दिखाई दे, सबका सब कुछ अलग अलग दिखाई दे, तो हम क्या बुलाएंगे, तब हम बुलाएंगे इस कंडीशन को एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन। तो एपोकार्पस कंडीशन है मतलब कार्पल्स बहुत सारे हैं और सारे के सारे कैसे हैं बच्चा, फ्री हैं, सारे कैसे के सारे कैसे हैं, फ्री हैं। किसमें देखोगे, लोटस में देख सकते हो, रोज में भी देख सकते हो। तो रोज और लोटस में आपको एपोकार्पस कंडीशन मिलेगी, जिसका मतलब है कि बहुत सारे कार्पल्स थे एंड द कार्पल्स वर फ्री, एंड द कार्पल्स वर फ्री, तो ये कंडीशन कहलाएगी एपोकार्पस कंडीशन। अब देखो ये वही चीज है जो मैंने तुम लोग को अभी बताई, जस्ट क्या बताई, यही बताया ना मैंने कि ये जो हमारा ओवरी होता है, इसी के अंदर ये जो हमारा ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, यही ओवरी बाद में खुद को बदल के आपका फ्रूट बन जाता है, और अंदर के जो ओव्यूल्स थे ये बाद में सीड बन जाते हैं। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक बार फ्यूजन हो जाए, उसके बाद आपको एग्जैक्ट यही चीज देखने को मिलेगी कि आपके ओव्यूल्स सीड बन गए हैं और आपकी ओवरी ने अपने आप को फ्रूट में बदल लिया है, आपकी ओवरी ने अपने आप को फ्रूट में बदल लिया है। तो यही सेम चीज हम यहां पर अप्रिशिएट करते हैं अपॉन फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट मिल जाएंगे, उसके बाद हमारी ओवरी फ्रूट बनेगी और हमारे ओव्यूल बन जाएंगे बेटा सीड, हमारे ओव्यूल बन जाएंगे बेटा सीड। अब देखो अलग अलग, अलग अलग ओवरीज में ना, मतलब अलग अलग, हाँ अलग अलग ओवरीज में ओव्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो एक ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे तरीके से अरेंज है, प्लैसेंटा कहाँ है, किस तरीके से उससे ओव्यूल जुड़े हुए हैं, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लैसेंटेशन। क्या बुलाते हैं इसे हम, प्लैसेंटेशन बुलाते हैं। सो प्लैसेंटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन साइड ओवरी, कि ओव्यूल्स एक ओवरी के अंदर किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से अरेंज है। अब ये अरेंजमेंट कैसा कैसा हो सकता है, तो देखो ऐसा हो सकता है कि ये ओवरी थी और इससे एक सिंगल ओव्यूल ऐसे अटैच हो, एक सिंगल ओव्यूल ऐसे अटैच हो,
तो मैं कहूंगी कि हाँ बेसल टाइप का प्लेसेंटेशन है। ये भी हो सकता है कि ये मेरी एक ओवरी थी और ये प्लेसेंटा था और यहाँ कॉर्नर्स पे ओव्यूल आ रहे हैं, कॉर्नर्स पे ओव्यूल आ रहे हैं। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो मैं कहूँगी पेराइटल अरेंजमेंट है। मतलब हमारे पास प्लेसेंटेशन भी अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग फूलों में, अलग अलग फूलों में ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे सजे हुए हैं वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन टाइप की प्लेसेंटेशन हम देखेंगे। इस डायग्राम को भी देखोगे तो समझ पाओगे इस बात को कि ऐसा हो सकता है कि एक लाइन से लगे हुए हो, मार्जिन पे अटैच हो तो हम इसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन बुला लेंगे। ऐसा हो सकता है कि बेस से एक सिंगल ओव्यूल अटैच है तो हम बेसल प्लेसेंटेशन बुला लेंगे। ऐसा हो सकता है कि पेराइटल टाइप का हो, ऐसा हो सकता है कि फ्री सेंट्रल हो, एक्साइल हो। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के प्लेसेंटेशन हमको देखने को मिलेंगे। एक एक करके हम इन सबको समझते हैं बच्चों, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले जो चीज पूछेंगे वो पूछेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या बताना, ये बताना भैया ये जो मार्जिन है यहाँ पर आपके पास प्लेसेंटा है और यहाँ से रिज चल रहा है वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी में, तो ये इसका वेंट्रल सूचर कहलाएगा, इसको हम रिज कहेंगे। और इसी से ये ओव्यूल्स हैं जो वो यहीं पर बॉर्न होंगे, यहीं पर बॉर्न होंगे, तो ये चीज कहलाती है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन तब क्या कहते हैं कि प्लेसेंटा ने एक रिज बनाया है वेंट्रल सूचर लाइन के अलोंग और वहीं पर आपके ओव्यूल्स आकर अटैच हो रहे हैं, वहीं पर आपके ओव्यूल्स आकर अटैच हो रहे हैं। तो आप समझो इसको कि कैसा दिखाई देता है। मटर याद रखना, बस ये याद रखना कि हम वेंट्रल सूचर की बात कर रहे हैं, मतलब जो इधर डॉर्सल साइड पे नहीं, पीछे वाले साइड पे नहीं, सामने वाले साइड की बात हो रही है कि यहाँ पर जो आपका सूचर लाइन है वहीं पर आपका प्लेसेंटा एक मार्जिन की फॉर्म में प्रेजेंट है और वहीं से रिज निकल रही है और आपके ओव्यूल्स उसी पर अटैच कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आपको देखने को मिलता है कि दोनों साइड पर आपके सीड्स हैं, आपके ओव्यूल्स हैं, तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को आप क्या बुलाते हो, मार्जिनल प्लेसेंटेशन बुलाते हो। तो हाँ ओव्यूल लिखेंगे, सीड नहीं लिख सकते क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी की बात हो रही है। तो मार्जिनल प्लेसेंटा में प्लेसेंटा ने रिज बनाया वेंट्रल सूचर लाइन के अलोंग और ओव्यूल्स को उस रिज के अलोंग दो रोज में अटैच कराया। तो ऐसी कंडीशन दिखेगी तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहलाएगी। ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहलाएगी। अब देखो दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई देगा कि जो आपका प्लेसेंटा है ना वो एक्साइल है और आपकी ओवरी कैसी है, मल्टीलोक्युलर। अब मल्टीलोक्युलर मतलब ये मेरी ओवरी थी और इस ओवरी में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लॉक्यूल्स यानी कंपार्टमेंट्स हैं। तो सारी के सारे फ्यूज नहीं है, सब अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे अलग अलग अगर अंदर कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं कहूंगी कि मल्टीपल लॉक्यूल्स हैं, मल्टीपल स्पेसेस हैं। तो ये सब एक एक लॉक्यूल है तो आपके पास बहुत सारे हैं, ऐसे तीन चार तो हैं, तो ये मल्टी लॉक्यूलर ओवरी हो गई। अब अगर आपको इसमें ऐसा देखने को मिले कि इसके यहाँ पर जो एक्सिल वाला पोर्शन है, इसका ये जो एक्सिलरी पोर्शन है, यहाँ पर अगर आपको प्लेसेंटा दिखे और ओव्यूल आपको फिर वहां से ऐसे अटैच होते हुए दिखाई दे, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एज एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या बुलाएंगे फिर इसे हम, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में आप यही चीज देखोगे, ये भिंडी है, इस भिंडी को मैंने सामने से काटा, अगर इसमें भिंडी को ऐसे गोल काटती तो मुझे ऐसी दिखाई देती है भिंडी। ठीक है, ऐसी दिखाई देती है। तो भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, इनमें क्या होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। मल्टीपल लॉक्यूल्स होते हैं, प्लेसेंटा एक्साइल होता है और वहीं से आपके ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, वहीं पर आपके ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये देखो एक लॉक्यूल, दो लॉक्यूल, तीन और चार, एक्साइल में प्रेजेंट है आपका प्लेसेंटा और इन प्लेसेंटा से यहां पर अराइज हो रहे हैं आपके ओव्यूल्स, अराइज हो रहे हैं आपके ओव्यूल्स। तो इस तरीके की कंडीशन है अगर बच्चों, तो कंडीशन को हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये आपको चाइना रोज में भी दिखेगी, टमाटर में भी दिखेगी, नींबू में भी दिखेगी और भिंडी में भी दिखाई पड़ रही है। तो इन सभी में
आपको जो देखने को मिलेगी वो है एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो मुझे बताओ कि क्या हमें एक्साइल और मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्लियर है? यहां तक हमें कोई डाउट है क्या? फटाफट से बता दो मुझे कि क्या हमें ये दोनों प्लेसेंटेशन क्लियर है? आवाज नहीं आ रही। अगर ये दोनों क्लियर है बेटा तो चलो फटाफट से तीसरा प्लेसेंटेशन देखें। तीसरा है हमारा पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल में क्या होता है? पेराइटल में हम कहते हैं कि हमारी जो ओवरी है ना उसमें एक सिंगल चेंबर है। सिंगल चेंबर मतलब सिंगल कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट है, मतलब एक ही लॉक्यूल है, एक ही लॉक्यूल है। तो एक सिंगल लॉक्यूल, एक सिंगल कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। ये देखो एक सिंगल है। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें देखने को मिल रहा है कि जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी में या फिर पेरिफेरल पार्ट में। तो ये बाहर का हिस्सा है ना, बाहर का, ये ओवरी का अंदर का वॉल हुआ, अंदर वाला इनर वॉल। तो अंदर वाली वॉल, इनर वॉल से ये यहां पर आ रहे हैं, यहां से ये अटैच हो रहे हैं, यहीं पर प्लेसेंटा प्रेजेंट है। तो इस चीज को हम कहते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन, कि बाहर की तरफ से आएंगे। तो ये देखो बाहर की तरफ से जुड़े हुए हैं, ये अंदर से नहीं बाहर से जुड़ रहे हैं। तो ये बाहर से अगर जुड़ रहे हैं तो ये चीज कहलाती है, ये चीज कहलाती है एज पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन में हम यही याद रखेंगे कि ओव्यूल्स जो है वो इनर वॉल ऑफ द ओवरी यानी पेरिफेरल पार्ट से अटैच होंगे। ओवरी में एक सिंगल चेंबर होगा, ठीक है, एक सिंगल चेंबर होगा, और इस तरीके से बाहरी बाहर से अंदर की तरफ आपको ओव्यूल आकर अटैच होते हुए दिखेंगे। आप ये चीज मस्टर्ड और आर्जिवन में देख सकते हो। इनमें कई बार क्या होता है, एक गलती से ऐसा रिज बन जाता है कि आपको ऐसा लगता है दो चेंबर्स आ गए, पर दो चेंबर्स नहीं होते हैं, दो कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, एक फॉल्स सेप्टम आया होता है। फॉल्स मतलब स्यूडो, स्यूडो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उस ओवरी के अंदर दो चेंबर्स हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि उस ओवरी के अंदर दो चेंबर्स हैं, पर वाकई उस ओवरी के अंदर दो चेंबर्स होते नहीं है, एक सिंगल ही चेंबर रहता है। इसीलिए से हम कहते हैं सेप्टम यानी कि फॉल्स सेप्टा, ठीक है। तो ये फॉल्स सेप्टा आपको पेराइटल प्लेसेंटेशन में दिख सकता है। कई बार लोगों को लगता है कि प्लेसेंटेशन यहां पर पेराइटल नहीं होगी, लॉक्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो एक्साइल हो, बट वो एक्साइल होती नहीं है, ठीक है, बट वो एक्साइल होती नहीं है। अब देखो नेक्स्ट वाला तो और भी सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। अब फ्री सेंट्रल में क्या होता है, हम कहते हैं भैया सेंटर था, सेंटर एक्सिस, उसी से डायरेक्टली आपके ओव्यूल्स अटैच हुए हैं। ओवरी की वॉल्स का कोई लेना देना नहीं है, बीचों बीच यहाँ जो प्लेसेंटा है वहां से लाइन से ये आपके सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ऐसी कंडीशन दिखेगी। तो इसे हम कहलाते हैं फ्री सेंट्रल। ये आपको प्राइम रोज और डायंथिस इन दोनों में देखने को मिलेगा। आज आप इसको जब लेके बैठोगे ना, हाय जानवी, आज आप इसे लेके बैठोगे बेटा चैप्टर को, तो बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स के एग्जांपल्स याद रखना, अच्छे से इनकी लाइंस पढ़ना। डायरेक्टली लाइंस लिखी भी आती हैं कि ये कौन सा प्लेसेंटेशन रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्ट लाइन लिख देंगे, वो कहेंगे ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, कोई भी सेप्टा वेप्टा नहीं है, सिंगल लॉक्यूल है, तो ये कौन सा प्लेसेंटेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का डिफिनेशन है, ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का डेफिनेशन है, ये चीज फिर हमें पता रहे। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल में हम क्या कहते हैं, बेसल में हम कहते हैं बच्चों, बेसल में हम कहते हैं कि प्लेसेंटा आपका बेसल, प्लेसेंटेशन आपका बेसल होगा, कब होगा, जब प्लेसेंटा बेस ऑफ द ओव्यूल से अटैच होगा। तो ये आपका ओव्यूल है अगर, ठीक है, यहां पर प्लेसेंटा है बेस ऑफ द ओवरी पे, एक सिंगल ओव्यूल है जो बेस से अटैच कर रहा है प्लेसेंटा को, तो हम कहेंगे प्लेसेंटेशन बेसल है। तो ओवरी होनी चाहिए, ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा होना चाहिए और वहां से एक सिंगल ओव्यूल अटैच होना चाहिए, ऐसी वाली कंडीशन बेसल प्लेसेंटेशन कहलाएगी। तो जो आपके सनफ्लावर होते हैं उनमें आपको बेसल प्लेसेंटेशन दिखेगी, मतलब यहां पर बेस पर आपको एक सिंगल सिंगल ओव्यूल दिखाई पड़ेगा, सिंगल सिंगल ओव्यूल दिखाई पड़ेगा। तो जब इस तरीके से आपको एक सिंगल ओव्यूल दिखाई दे तो ये प्लेसेंटेशन बेसल कहलाती है। मैरीगोल्ड में भी बेसल प्लेसेंटेशन है और सनफ्लावर में भी आपको बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगी। तो ये था बेटा हमारा गाइनोशियम, ठीक है। तो आज जो चीज हमने डिस्कस करी है गाइनोशियम था, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो आज आप क्या करोगे, आज आप लोग सिर्फ यही चीज करेंगे कि जाकर एंड्रोशियम और गाइनोशियम को बहुत ध्यान से रीड और एनालाइज करेंगे,
क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड थे, कल की डीपीपी में मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, दो डीपीपी मैंने कल अपलोड कर दी थी, तुमने देख ही ली होंगी। एक में तुम्हें लीफ के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक में तुम्हें मिलेंगे फ्लावर के क्वेश्चंस, ठीक है? तो उसको पूरे को अच्छे से सॉर्ट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलने वाले हैं तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रूट, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रूट स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट विथ फ्रूट प्लीज बी वेरी श्योर कि हमें फ्लावर के सारे पार्ट्स अच्छे से याद हो विथ एग्जाम्पल्स। सो आई विल सी यू टुमारो इन माय नेक्स्ट क्लास एंड वी विल बी स्टडीइंग फ्रूट एंड सीड। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।